भारतीय वायुसेना के नाम एक और खास उपलब्धि दर्ज हो गई है। भारतीय वायुसेना के IAFC-130J विमान ने पूर्वी क्षेत्र में एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर सफल लैंडिंग करके सबको हैरान कर दिया है। इस लैंडिंग की इतनी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसने नाइट विजन गॉगल्स की सहायता से लैंडिंग की है। बता दें कि रात के समय के संचालन के लिए NVG का उपयोग भारतीय वायुसेना की कम रोशनी की स्थिति में भी सटीकता के साथ संचालन करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे इसकी रणनीतिक बढ़त बढ़ जाती है। उन्नत लैंडिंग ग्राउंड दूर दराज और आगे के क्षेत्रों में किसी भी आकस्मिकता पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे स्थानों पर NVG सहायता प्राप्त लैंडिंग का सफलतापूर्वक संचालन करके भारतीय वायुसेना ऑपरेशन के सभी थिएटरों में उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। बता दें कि इससे पहले भी विमान नाइट विजन गॉगल्स की सहायता से लैंड कर चुका है। 29 अप्रैल 2023 को ये कामयाबी हासिल हुई थी। तब हिंसा से जूझ रहे सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने ये साहसिक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत एयरफोर्स के C-130J विमान ने सूडान की राजधानी खार्तूम से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित वाड़ी सैयदना की एक छोटी सी हवाई पट्टी पर बिना किसी नौवहन सहायता या लैंडिंग लाइट के लैंड किया और वहां से 121 लोगों को बचाया था। इस पूरी सफलता पर भारतीय वायुसेना भी काफ़ी उत्साहित है। उसने एक्स पर लिखा है, एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए #IAFC-130J विमान ने पूर्वी क्षेत्र में एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पर सफल नाइट विजन गॉगल्स सहायता प्राप्त लैंडिंग की। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशनल रीच और डिफेंस तैयारियों को बढ़ाकर देश की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए अपनी क्षमताओं का विस्तार लगातार कर रहा है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।